हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा। ओके, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब एक तरफ से होता है कानून। ओके, आप लोग ने बाहुबली पिक्चर देखा रहेगा, उसमें कैसे शासन होता है ना, वचनी शासन है, कैसे वो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए एक होता है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, तो कंपनी अब एक रूल सेट करता है, किस तरह वो अपने कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बना के सबको कंट्रोल करेगी, मॉनिटर करेगी, मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, एम्प्लॉयज़ के ऊपर ख्याल करेगा, इसको ही मिला के बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस हैज़ बीन नोन इन बोथ पॉलिटिकल एंड एकेडमिक सर्कल। मतलब ये पॉलिटिकल हर जगह होता है, गवर्नेंस मतलब सिस्टम बोल सकते हैं, जिसमें एक के पास पावर होता है, वो पावर के थ्रू पूरे कंपनी को कंट्रोल करता है, राइट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब एक अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, और जो कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स फॉलो करती है ना, उससे मालूम है क्या, कंपनी को बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे क्या होता है मालूम है, कंपनी के अंदर करप्शन नहीं होता है, मैल प्रैक्टिस नहीं होता है, झोलझाल नहीं होता है, तो फ्रॉड एक्टिविटीज़ नहीं होती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या फ़ायदा होता है मालूम है क्या, कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, राइट। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉइज, ये स्ट्रक्चर होता है। तो सब काम स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, राइट। तो वो बताया इसमें कैसे लिखने का भी, द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज हैज बीन चेंज अलॉट। मतलब कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया है, बहुत सारे मैनेजमेंट आ गए जो कंट्रोल करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। द एक्स मैनेजमेंट टू मेक कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी बनाए ताकि कंपनी के साथ साथ बाकी लोग का भी फायदा हो जाए। ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब सीजी के कारण सीएसआर हो रहा है। सीजी माने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी अपने प्रॉफिट के साथ साथ बाकी स्टेक होल्डर का भी ख्याल करती है। कौन स्टेक होल्डर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, शेयर होल्डर हो गए, सप्लाई हो गए, लोकल कम्युनिटीज़ हो गए, सोसाइटी हो गए, ये सबका भी ख्याल किया जाता है। और आजकल क्या है, कंपनी में स्कैम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, राइट। स्कैम मतलब एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है, जिसमें कंपनी गलत तरीके से पैसा कमाती है, मिसयूज़ करती है, मिस अप्रोप्रिएशन करती है, पब्लिक का पैसा गलत इस्तेमाल करती है, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है, ये सब चीज़ को रोकता है। स्कैम्स को रोकने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया गया है। सेबी ने गाइडलाइंस दिया है कि हर कंपनी अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उस दायरे में काम करे, उसको कोड भी बोल सकते हैं, राइट। इन डिफरेंस ऑन पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स आर इन एक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कौन है, जो पैसा लगाता है और घर पे बैठा रहता है। तो कंपनी को संभालने का जिम्मा कौन होता है, मैनेजमेंट होता है। दे ओनली अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर क्या करता है, मीटिंग में आता है, वोट करता है, बस उतना ही, प्रॉक्सी लगाता है। तो शेयर होल्डर एसोसिएशन आर नॉट स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर डायरेक्टर मिस यूज देयर पावर फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो डायरेक्टर क्या करता है, शेयर होल्डर के नहीं आने के कारण वो अपना मिस यूज करता है। सो देयर इज ए नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए, ताकि टू प्रोटेक्ट ऑल द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा तो किसका भी पैसा नुकसान नहीं होगा, राइट। ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड वाइड। तो टुडे मोस्ट बिग कंपनी आर सेलिंग देयर गुड्स इन द ग्लोबल मार्केट। बड़ी बड़ी कंपनी अपना KFC है ना, पूमा, एडिडास, अपना प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड बेचते हैं। सो दे हैव टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर एंड फॉरेन कस्टमर। इसलिए उन्हें बाहर के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दे हैव टू फॉलो द फॉरेन रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑल दिस रिक्वायर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके लिए कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी, उसको सीजी फॉलो करना पड़ेगा। सीजी यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी का रूल। तो टेक ओवर मर्जर, टेक ओवर मतलब एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है, मर्ज मतलब ज्वाइन होती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज ड्यूरिंग टेक ओवर मर्जर। क्योंकि टेक ओवर मर्जर के कारण इन्वेस्टर का पैसा डूब जाता है, लिक्विडेशन होने के पैसा बराबर नहीं रिटर्न मिल पाता है। तो उसके लिए गाइडलाइंस बनाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ताकि ये सब हो तो स्टेक होल्डर का पैसा नहीं जावे। और ये सब क्या, देखभाल करने वाला कौन है, सेबी। तो सेबी हैड मेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपलसरी फॉर सर्टन कंपनी, जो मोस्टली मिड कैप नहीं, लार्ज कंपनी है, लार्ज कैप, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस खुद का कानून बनाना है और सबको फॉलो कराना है, ताकि कोई भी झोलझाल ना हो। ओके, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिलसिला कैसे चालू होता, सेबी ने लेके आया था, कभी लेके आया था, 1999 में उसकी कमेटी बैठी थी। श्री कुमार मनगलम, मेंबर ऑफ सेबी बोर्ड ऑफ प्रमोट एंड रेस स्टैंडर्ड ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब कंपनी एक सिस्टम, एक दायरा, एक रूल्स के हिसाब से चलेगा, राइट। तो ये गवर्नेंस जिसके कारण कंपनी को भी फायदा देगा, बाकी लोग को भी फायदा देगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लाने का मन मकसद क्या था, जो भी कंपनी का गोल है वो अचीव हो जाएगा। और एक वे ऑफ लाइफ रेदर देन कोड, मतलब किस तरह तुमको चलना है सिस्टम में, टू स्ट्रेंथन, मतलब कंपनी का फंक्शन अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और मिसमैनेजमेंट ना हो, और ताकि अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉफिटेबल हो। तो ये सब तरीका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आता है, राइट। ये ग्लोबल लेवल, ग्लोबल फेनोमेनन है। ओके, ताकि कंपनी का अच्छे से प्रॉफिट हो, कंपनी अच्छे से कंट्रोल करे और कंपनी के अंदर कोई भी एम्प्लॉय झोलझाल ना करे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एक आंसर आने वाला है, प्रिंसिपल आएगा, तो इसके रिलेटेड एक दो पॉइंट डाल के वही आंसर कॉपी कर सकते, ठीक है। और इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से फ़ायदा क्या है,
गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर बोर्ड एंड मैनेजमेंट. अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करेगा तो सबको फायदा होगा. बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन प्रोवाइड शेयर होल्डर विद ग्रेटर सिक्योरिटी विद देयर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर लोग और पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि सब सही चल रहा है, और इसमें एम्प्लॉयज शेयर होल्डर सब जुड़ जाएगा, कंपनी का एसेट भी अच्छे से सब हो जाएगा. ये सब चीज़ तुमको लिखने का था, राइट? किस में लिखने का है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कुछ भी आया तो यही चीज़ उठा के तुमको डाल देने का, राइट? एथिक्स मतलब सही काम करना, बिजनेस गोल, जो भी बिजनेस गोल अच्छे से अचीव करना है, अच्छे से मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना है, और रिपोर्टिंग करना है, हर बार का जवाब देना, अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा, राइट? तो ये तुमको डाल देने का था, ठीक है? और फ्रेमवर्क मतलब कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से सेबी ने गाइडलाइन बनाया था, राइट? और स्टैंडर्डाइज लिस्टिंग एग्रीमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, ICS जो CA वाले है, ICS जो कंपनी सेक्रेटरी है, ये सब को ने फ्रेमवर्क इन लोगों ने बना के रखा है. ये सब के नाम हेडफोन डाल देंगे अगर फ्रेमवर्क आया तो, ओके? तो अच्छा कहा था तुम्हारा, एक टॉपिक मैंने कवर कर दिया CSR. कुछ भी आंसर आया ये सब टॉपिक उठा के डाल देना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच.